जैसे भक्त भक्त हम इस्कॉन के डिवोटीज भी हैं, और जैसे हम बाहर जाते हैं बाहर भी भक्त होते हैं, तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? जैसे वो कभी आर्ग्यू भी हो जाता है उनसे, उनकी सोच अलग है हमारी सोच अलग है थोड़ा, तो उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमने चर्चा यही कर रहे हैं कि चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, सम्मान तो हमें सबका करना पड़ेगा, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, सब जीवात्मा हैं, सबके हृदय में कृष्ण विराजमान है। बट हाँ, मुझे बचाव करना अपना, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उनका संग नहीं करूंगा, मैं उनके साथ अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को जोड़ूंगा नहीं। जैसे बताया जाता है कोई कृष्ण भक्त है तो वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हम लोग, मगर बाहर के लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं और मिस प्रोजेक्ट करते हैं। बोले देखो देवी देवताओं का अपमान करते हैं लोग। अरे भैया, हम तो बताते हैं ये जो शिव जी है सबसे महान भक्त है, वो वैष्णवानाम यथा शंभू, ये अपमान है क्या कि शिव जी को सबसे बड़ा स्थान दिया है भक्तों के बीच में? ये अपमान है, ये तो शिव जी का आदर है। ऐसी कभी मौका मिले ना, अगर आपके सामने कोई शिव जी शिव मंदिर आता है तो जाइए और वहां जाके शिव जी को प्रणाम कीजिए और शिव जी से याचना कीजिए कि शिव जी, जिस प्रकार आप सदा भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान का चिंतन करते रहते हैं, क्या करते हैं शिव जी, ध्यान लग में लगे रहते ना, वन सिंगल माइंडेड फोकस है उनका। बोले इसमें से कुछ दे दो मेरा ना, मैं तो बस वो 16 माला करता हूँ, 2 घंटे ध्यान नहीं लग पाता है, और आप तो पता नहीं कितने कितने समय तक ध्यान लगाते हैं, सो प्लीज हेल्प मी शिव जी, प्लीज हेल्प मी सो दैट आई कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम्स ऑफ कृष्ण। तो सम्मान है उनका, सम्मान कीजिए, और अगर जो शिव जी के भक्त हैं उनका भी सम्मान कीजिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी श्रद्धा में रहते हैं वहां पे। भगवान क्या बोलते हैं कि श्रद्धा को, किसी की श्रद्धा को डिस्टर्ब मत करिए, मगर आपका इतना आचरण इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको देख के लोग अपने आप ही आ जाएं कृष्ण भक्ति में, कि देखो यहां तो बस मैं मांगता रहता था ना दिन रात सुबह शाम, क्यों शिव जी को किस कैसे देखता था, ये तो आशुतोष है, ये तो बड़ी जल्दी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, इच्छा लेके जाओ ना और पूरी करा लो, 10 का नोट चढ़ाओ 100 का मांग लो, सभी करते हैं मोटिवेटेड। मगर हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त है वो हमेशा शांत रहता है, क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है। मगर बाकी जो देवी देवता के उपासक हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए, मां मुरादे पूरी कर दे कुछ चाहिए, पूरा करना है मुझे, मुझे मेरी इच्छा है। तो ऐसी जब भक्तों को देखते हैं बाहर के लोग, तो उनसे स्वतः ही वो आकर्षित हो जाते हैं, उनके निस्वार्थ भाव को देखकर, उनके सद्गुण आचरण को देखकर, उनके सुशील स्वभाव को देखकर। तो हमें अपना आचरण बना के रखना है कि जैसे हम हैं वैसे रहना है, मगर हाँ साथ में उनका आदर सम्मान भी करना है। बट विल नॉट एसोसिएट विद देम, उनका संग नहीं करेंगे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा, किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि अगर इस्कॉन के मंदिर में कोई बहुत बड़ा सन्यासी आ जाए, मायावादी सन्यासी आ जाए, तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले, अरे सन्यासी आया है आपके पास, स्वागत करो उसका, माला पहनाओ उसको, प्रसाद खिलाओ उसको, मगर माइक मत दो। मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश, आपका सर्वनाश हो जाएगा उस मायावादी सन्यासी से आपने सुन लिया ना, तो फिर मायावाद आपके हित चित में फैल जाएगा बड़ी मुश्किल से। तो ना अभी हम विग्रह को भगवान मानने लगे ना, पहले तो पत्थर मूर्ति मानते थे, समाओ भक्तों के संग से हाँ है ना, हमें फील होता है, ठीक है अभी भी वो अंदर से भावना नहीं आई, मगर यहाँ जब देखते हो अरे इतना पूजा सेवा कर रहा है, कुछ तो होगा इस बंदे में ना, सब लगे हुए हैं यहाँ पे, घंटियाँ दिखा रहे हैं ना, अगरबत्तियाँ दिखा रहे हैं सुबह शाम 3 बार, कुछ तो स्पेशल व्यक्ति है ये, इतना बड़ा महल बनाया इनके लिए, इतना बड़ा भवन बन रहा है ना, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ना, ये रुक्मिणी द्वारकाधीश है, द्वारका के अधीश हैं ना, सब कुछ इनके अधीन है, इज अ बिग पर्सनैलिटी। ये बोला प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी बोलता है ये जो मंदिर है ये मेरे लिए नहीं है, ये यहाँ के जो रेजिडेंट डिवोटी उनके लिए नहीं है, ये इन लोगों के लिए है, नहीं जनता के लिए है, कि जब वो आए तो दे शुड बी ऑस्ट्रक, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुली हो जाए, अरे भैया ठाकुर जी का मंदिर है, जय हो जय हो जय हो ना, तो प्रणाम करेंगे आके, झुकेंगे यहाँ पे आके ना, भगवान की भगवत्ता को जानेंगे, उनके ऐश्वर्य को जानेंगे। प्रभु जी, इस प्रकार प्रभु जी, जैसे जो कृष्ण, जैसे कृष्ण भगवान के ही अलग रूप है, श्याम भक्त है और जो बांके बिहारी के भक्त है, और जो कृष्ण भी लाउडर थोड़ा, जैसे श्री कृष्ण के ही अलग अलग रूप हैं, जैसे श्याम भक्त भी हैं, बांके बिहारी के भी भक्त हैं और कृष्ण भगवान के भी भक्त हैं, उनसे हम कैसे
डील कर सकते हो। सेम प्रिंसिपल रूप गोस्वामी समझाते हैं हमें, हमें संग कैसा करना है। सुस्निग्ध महतर साधु संग, वो संग जहां पे स्निग्धता है ना, जहां पे प्रेम है आपस में भक्तों में, जहां पे एक दूसरे का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है भक्ति में आगे बढ़ने, और जो महतर है, हमसे ऊंचा है। और साथ में एक और चीज बताता है रूप गोस्वामी, दोज हु आर इन द सेम मूड, उन्हीं लोगों का संग करना है। ऐसे व्यक्ति ना जो हमारे मूड से अलग है, तो हमें किसी और ट्रैक में वो ले जाएंगे। हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम गौड़ीय वैष्णव का संग करेंगे। तो ये संग कर तब, ये संग हम कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में शिला प्रभुपाद के प्रति पूर्ण शरणागति होगी। हम जान पाएंगे कि हाँ, शिला प्रभुपाद ही इज अ फाउंडर आचार्य, ही इज सच एन एग्जॉल्टेड डिवोटी, अगर उनके शरण में आ गया तो मेरा बेड़ा तो पार है, मैं तो गोलोक पहुंचूंगा। तो ये श्रद्धा जागृत करनी है हमें शिला प्रभुपाद के प्रति। और फिर अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता, अन्य इंस्टीट्यूशन की क्या आवश्यकता। प्रभुपाद जी ने बोला है, जो मैंने बताया है उसके अलावा कुछ और पढ़ेंगे आप, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आप भक्ति को त्याग देंगे। डू नॉट हियर एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट इज देयर इन इस्कॉन। इस्कॉन इज सेल्फ सफिशिएंट, इसके बारे में जाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने हमें। गोलोक धाम तक कहां पहुंचना है, माधुर्य रस कैसे प्राप्त करना है, वो पूरा अरेंजमेंट करके गए हैं प्रभुपाद हमारे लिए। ये श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आवश्यकता नहीं कहीं और। हाँ, ऐसे कोई और भक्त हमें मिलेंगे, आदर सत्कार करेंगे, बट विल नॉट एसोसिएट विद देम।